हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज वीडियो रे आम मैंने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो डाइपोल बहुत गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, आपको केबे भी मिस करिवनी, भल भाव देख आर क्वेश्चन भी मुझे आगे प्राक्टिस करेबी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कौच इट कनसीस्ट अफ टू इक्वाल एंड अपोजिट चार्जेस, ताने गोटे नेगेटिव चार्ज रोटे पॉजिटिव चार्ज रिजन जाक इक्वाल मैग्नीच्यूड रही आउ अपोजिट नेचर रहा दरकार। एटा प्रथम कंडीशन। आउ कौन सेपरेटेड बाय अ स्मॉल सेपरेशन, ताने आंक भितर गोटे स्मॉल सेपरेशन थी जोटा को आम टू ए बोली कन्वेंशनली धरीचु। ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, आज नेक्स्ट रे होची गोटे टर्म आसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मुमेंट। तो तार इलेक्ट्रिक डाइपोल मुमेंटर डेफिनेशन कौन ना मैग्नीच्यूड ऑफ आइदर चार्ज, माने तुम्हें माइनस क्यू नियो किंबा प्लस क्यू नियो तो मैग्नीच्यूड ऑलवेज से ही क्यू ही आसीबो। आउ कौन ना द स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज द 2a, जदि 2a संगरे मल्टीप्लाई करबा क्यू को ताला में p रो वैल्यू पाइबा जडक हमें कहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आज तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट गोटे वेक्टर क्वांटिटी, जेहेतु वेक्टर क्वांटिटी तेणु आर गोटे डिरेक्शन अच्छी आउ डिरेक्शन आर सब कौन नेगेटिव चार्ज रु पॉजिटिव चार्ज आड़ नेगेटिव चार्ज रु पॉजिटिव चार्ज आड़कू तुम्हें एमती कहीपर जे आर डिरेक्शन टा अपोजिट टू द फिल्ड, कारण फिल्डटा सब पॉजिटिव रु नेगेटिव चार्ज आड़क थाए। आज तार फर्मूला तो जापार जे पी इज इक्वाल टू टू ए क्यू, तो से ही फर्मूलू आम यार यूनिट भी जापर तो यूनिटा के चार्ज रूनिट हूँ कुलम आउ मीटर होची सेपरेशन रो यूनिट बा डिस्टेंस रो यूनिट, तनु कूलम इनटू मीटर तनु सीटा टिके बडो लेखिबो फलरे सेंटीमीटर रो कन्फ्यूजन दूर होई जीवो, सेंटीमीटर लागिबनी जेमती। अच्छा, तो ये हला कोन ना इलेक्ट्रिक डाइपोल आउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रो कांसेप्ट। नेक्स्ट रे पिलन देखिबा जे इलेक्ट्रिक डाइपोल रा हम पाखरे दुईटा पोजीशन अछि, गोटे होची एक्सियल पोजिशन और तार अदर नेमटा सब मन रखि एंड ऑन पोजिशन। एग्जाम रे क्वेश्चन बेले बेले एंड ऑन पोजिशन लेखिकी भी पचारि पारे, जदि एंड ऑन पोजिशन पचारुची ताल तमे जानिबो डेफिनेटली से एक्सियल पोजिशन कथा कहउची। जदि ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन लेखाइची क्वेश्चन रे ता माने जानिबो से तमको इक्वेटोरियल पोजिशन कथा कहउची। ओके, तनु अदर नेम दुटा निहाति मन रखिबो। तो प्रथमे जानि जाओ जे एक्सियल पोजिशन और इक्वेटोरियल पोजिशन कौन। तो एक्चुअल पोजिशन हूँ दीटा चार्ज सेंटर को जो लाइन जॉइन करुची ता अलग रे थीबा लाइन को हमें एक्चुअल लाइन बोली कहूँ बा एंड ऑन पोजिशन, तापर जिते गुड़ा पॉइंट रहिबो ताकु एंड ऑन पॉइंट कह लाइन को जोटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन से दीटा को इक्वाल पार्ट डिवाइड कर लाइन जिते गुड़ाक पॉइंट रॉइंट गुड़ाक सब इक्वेटोरियल पॉइंट और ब्रॉड साइड ऑन पॉइंट रार स्पेशलिटी हो लाइन जिते पॉइंट अच्छी सब जाक पॉइंट यू इक्वाल डिस्टेंस रे रही तमें डिस्टेंस सब इक्वाल हे सब जगह डिस्टेंस इक्वाल। ओके, तो मैंने इक्वाल डिस्टेंस रे लाई करेंगे। तो ये हूँ दुटा पोजिशन आ पोजिशन आम कौन क्याकुलेट कर इलेक्ट्रिक फिल्ड क्याकुलेट कर बोथ आट एंड ऑन पोजिशन आज वेल आज इन इक्वेटोरियाल पोजिशन। ओके, नेक्स्ट पे देख गोटे डेरिवेशन देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल आट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन और एंड ऑन पोजिशन। एबे किस समय पूर्व आम देख लु जे एक्सियल लाइन कौटा ना दीटा चार्ज पार्टिकल सेंटर को जो लाइन टा जॉइन करुछु एक्सियल लाइन बोली कुआ गला। ओके, तो आमर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिवार पूर्व नियम थिला जे जो पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिवार अछि सेठी गोटे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हबो। सपोज मुठी गोटे पॉइंट नेली पॉइंट पी आउ ए पॉइंट पी रे गोटे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नै। ओके, बुझिया पई कहउची। अच्छा, तो जदि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नेली ताले ए पॉजिटिव चार्ज टा ए पॉजिटिव चार्ज को कोन करिवो रिपेल करिवो ता माने आउ ए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पडबो से पई मुता को ई1 देखे। अबिका ए नेगेटिव चार्ज टा आपै फील्ड केमती बनेबो ना इनवर्ड जोटा के हम इलेक्ट्रिक फील्ड रो वीडियो रे पढ़ीचु, जदि तम माने से वीडियो न देखी छ तो प्लीज जाई से वीडियो टा देखो तमो प्लेलिस्ट रे ऑलरेडी अवेलेबल अछि। अच्छा, तो अबिका ए पॉजिटिव को हटाई दो छी बुझिया पई कहि देली।
तेणु एटी गोटे कथा पिला मार्क कर मुझे ई वन को टी बड़ देखी कहना जेहतु ये पॉजिटिव चार्ज पर या फिल्ड आउ ई टू को टी छोट देखी कहना ये नेगेटिव चार्ज पर या फिल्ड ताने गोटे कथा क्लीयर जे जदि मुन रैल्यू क्याकुलेट करदेवि आउ ई टू रैल्यू क्याकुलेट करदेवि आेहेतु अपोजिटली डिरेक्टेड अच्छा सब्ट्राक्ट करदेवि करदे मत ई एक्सीयलटा मिल जाव ओके अच्छा तो पे इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज गोटे फर्मुला डिराइव करते कौन थी से फर्मुला ना ई इज इक्वाल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर जनरल फर्मुला यह अच्छा केटा थी वन बै फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो से ही अनुसार जदि मुझे ई वन लिखी मैग्निट्यूड वाइज मुझे लिखुची तो ई वन टा के देख ना प्लस क्यू चार्ज रु पी र डिस्टेंस अच्छा देख ए टोटल डिस्टेंस टा सेंटर ऑफ द डाइपोल रु ए पी पॉइंट रे डिस्टेंस होची स्मॉल आर अच्छा जदि हैला ताले एटा होची ए ओ पॉइंट रु प्लस क्यू रे डिस्टेंस ताले ए आर रु एटा को सबट्रैक्ट कर देले मतलब प्लस क्यू आ पी भितरे डिस्टेंस मिल जइबो जोटा के हैला आर माइनस ए तनो मो पई अबिका डिस्टेंस आ आर नुही अबे आउची कोन आर माइनस ए तनो मो कोन लिखिबि देखो फार्मूला के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए रो होल स्क्वायर ओके एटा हला ई वन रो फार्मूला सिमिलरली जदि मु ई टू रो फार्मूला लिखि तो ई टू रो लिखिबि कमती कोन देखो ई टू माने सेटा होची नेगेटिव चार्ज रो फील्ड तो नेगेटिव चार्ज रो डिस्टेंस टा पी पॉइंट पर्यंत पिला माने देखो पॉइंट पी रु पॉइंट ओ पर्यंत डिस्टेंस होची आर आउ बाकी डिस्टेंस हला स्मॉल ए ताले टोटल डिस्टेंस हे गला केते ना आर प्लस ए ता माने अबिका मो पई डिस्टेंस होची आर प्लस ए ताले मु ता मैग्नीट्यूड वाइज लिखिले कोन लिखिबी ना के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए रो होल स्क्वायर आधा काम शेष आउ गोटिए काम कोन से काम ना आमको E1 रु E2 को सब्ट्रैक्ट करियार अछि काना E1 बड़ फील्ड बा मैग्नीट्यूड रे बड़ आउ E2 होची सान फील्ड तेणु ताको E1 रु E2 को सब्ट्रैक्ट करिबा काना दिजन जाको अपोजिटली डायरेक्टेड अछि तेणु मु लेखिबि जे ई एक्सियल तो ई एक्सियल ले कोन लेखिबि देखो लेखिबि E1 माइनस तो ई वन जगार ई वन रैल्यू अच्छा पिला देख ये कमन किए दी के आउ क्यू तो कमन अच्छे डायरेक्टली कमन नहीं कि लिखिद तो के क्यू कमन तो भितर पटे किए रही ना वन बै आर माइनस ए रोल स्क्वायर माइनस वन बै आर प्लस ए रोल स्क्वायर ओके अच्छा केवल खाली कमन नहीं गली अबिका एलसीएम नवा तो एलसीएम ने कौन हम देख तो के क्यू रहा तो एलसीएम के आर माइनस ए इंटु आर प्लस ए रोल स्क्वायर तो ऊपर के आर प्लस ए रोल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए रोल स्क्वायर ओके अच्छा तो केवल एलसीएम सिंपल एलसीएम नहीं कि लिखाई अच्छा तो पिलाने एटा को टिके नोट डाउन कर दियो तो ऊपर टा लिबेबा सेट लिखिबा 3 2 1 एंड अच्छा तो अबिका एठो हमको कोन करियर अछि ना डेरिवेशन टा कैरी आउट करियर अछि तो मु एही पोर्शन टा लिबे दउ छी देख फॉर्मूला तो मैंने जानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो डायरेक्टली लिख ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अबिका ऊपर जो फॉर्मूला किसी गधिया कौन करती ए प्लस बी होल स्क्वायर बाहर करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर बाहर करेंगे माइनस करेंगे किसी जाना दरकार नहीं डायरेक्टली आम पारे फॉर्मूला अच्छी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बी तो डायरेक्टली आम लिखिद फोर ए ओके एक गोटे थर कर काम खत्म अच्छा ई एक्सीएल के देख पे के क्यू होल अच्छा ये पिला देख फोर आर ए अच्छी आम एमती भी लिख पार 2 into 2
2RA ये लिखी हम किसी असुविधा ना डिवाइडेड बाय के देख आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर ओके अच्छा तो पे देख तुमने तो लिखी भी सारी बोली तो मैं ये क्वेश्चन टा टे लिभ अच्छा तो आम अब कौन कर देख ना के रहा ये गोटे टर्म अच्छी 2AQ ताको अलग करद कहीं आम पढ़ी आस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट रो फार्मूला होची 2AQ से पई ताको सेपरेट कर दे इनटू आउ केते रहला देखो 2AQ वाला परे आउ रहला 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रो होल स्क्वायर अच्छा त हम आप एंती लिख पई ए 2AQ जगह रे केते लिखि देबी पिला माने P लिखि तारे P लिखले केते हि जीव देखो 2KPR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रो होल स्क्वायर आसी गला ई एक्सियल ला फार्मूला दिस इज द फार्मूला फॉर एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए एक्सियल पॉइंट ओके एटा जे कोनो सी डाइपोल पई लागी परबो किंतु आमर बेसिक जिंस हला कोन ना आमु को दरकार कोन ना शॉर्ट डाइपोल बा आइडियल डाइपोल पई केते हो सेटा बाहर करिवार अछि ओके तो देखिबा आइडियल डाइपोल पई केति हो तो फॉर आइडियल डाइपोल बस शॉर्ट डाइपोल भी कोई करियो तो पहला ना आइडियल डाइपोल पे केमते लगेबा देख आइडियल डाइपोल कहूँ जे आइडियल डाइपोल नो डेफिनेशन कौन ना 2A टेंड्स टू 0 सेपरेशन टा बहुत कम थिबो आउ कौन ना क्यू टेंड्स टू इनफिनिट क्यू रो वैल्यू इनफाइनाइट बहुत बड़ो हो जिवो आउ कौन कंडीशन हो पारिबो ना आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए ता माने आर रो वैल्यू जदी 5 ए रो वैल्यू 0.0005 माने पूरा नेग्लिजिबल ताकु नेग्लेक्ट करी हबो काटी हबो अच्छा जदी आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हे गला ताले ए स्क्वायर टर्म ता रहिबा जा न रहिबा से ताकु हटाई दबा तो हटाई देले आप पाखरे ई एक्सियल रो कोन फार्मूला आसी गला देखो शॉर्ट डाइपोल पई 2KPR डिवाइडेड बाय एठी देखो ए स्क्वायर हटि जाई तो आर स्क्वायर रो स्क्वायर ता माने केते हे गला r टू दी पावर 4 r रे r टू दी पावर 4 कैंसिल तनो आप पाई शॉर्ट डाइपोल ई शॉर्ट आसी गला 2KP डिवाइडेड बाय केते ना आर की आसी गला दीटा फार्मूला तो माइंड रखिबो किंतु बेसिकली एही शॉर्ट डाइपोल कथा ही माइंड रखिबो एग्जाम मानन करे एटा प्रायत आसे अच्छा एठी आउ गोटे जिनस भी पचराबे पिला माने जे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल डाइपोल आउ कौन ना डाइपोल मूवमेंट जोटा पी आंको भीतर एंगल टा के पचरा जा अच्छा तटी चिंता करिवा आमे देख डाइपोल रो डायग्राम रे बनै थिले कौन ना एपोट को E1 टा बनै थिले तापर E1 टा होची कौन ना मेजर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ता माने सही पटे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहइबो डाइपोल मूवमेंट केमती रहउतला ना नेगेटिव रु पॉजिटिव ता हम एपोट भी नै थिले नेगेटिव एपर्ट नहीं थे पॉजिटिव तर वेटा ला डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन तनो पिला माने मार्क कर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पटे अछि डाइपोल मूवमेंट भी एग्जैक्टली सही पटे अछि ता माने दीटा वेक्टर परस्पर कोण हे पैरेलल हेबे आ एंगल तांको भीतर कोण हो ना 0 डिग्री हो बुझी पारल तो ये थिला इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन और एंड ऑन पोजीशन पई इलेक्ट्रिक फील्ड तमें दीटा फॉर्मूला को मन रखिबो आउ ये गोटे शॉर्ट क्वेश्चन पई भी मन रखिबो ओके नेक्स्ट रे पिलन देखो आमे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करिबा इक्वेटोरियल पोजीशन में मा आगुरु भी कहि छी इक्वेटोरियल पोजीशन होछ गोटे परपेंडिकुलर लाइन आउ ए परपेंडिकुलर लाइन टा को दीटा इक्वल पार्ट रे डिवाइड कर छी बा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहि परिबो जदि ए टोटल डिस्टेंस टा 2a ताले ए टू ए जाएंगे डिस्टेंस सपोज एटा ओ पॉइंट नै जिबा ए आउ ए ओ रु ए प्लस क्यू पर्यंत डिस्टेंस हला ए अच्छा तो आमु को ए पॉइंट पी रे कोन करे रछि ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करे रछि रूल से या जे पॉइंट पी रे गोटे पॉजिटिव चार्ज छोटू सा पॉजिटिव चार्ज रखि दबा अच्छा तो जदि रखि देले ताले पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए प्लस क्यू टा कोन करिवो रिपेल करिवो त ई वन देखे लिए पटे ए नेगेटिव चार्ज टा पॉजिटिव चार्ज को कोन करिवो अट्रैक्शन करिवो त ई टू ए पटे देखे ली ओके अच्छा
पिलान देख जेहेतु दीटा साइड इक्वल एटा गोटे समद्विबाहु त्रिभुज तेणु ए साइड लेंथ केते हो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम काना एटा परपेंडिकुलर एटा होची बेस तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर ए साइड टा जति की ए साइड भी सेति ताले देख पिला ने मु एटी लेखि परि की जे ई1 इज इक्वल टू ई2 काहे की रीजन कोन देखो जेते बळे मी इलेक्ट्रिक फील्ड रा मैग्नीट्यूड बाहर करूचे सेते बळे फार्मूला पकोचे के क्यू बाय आर स्क्वायर ताले के रहिला क्यू रहिला कारण माइनस क्यू रो भी मैग्नीट्यूड प्लस क्यू रो भी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय तांको भीतर सेपरेशन ए दीटा का सेपरेशन तो इक्वल तण सब जेतु इक्वल तण फील्ड इंटेंसिटी भी इक्वल तो ए डिस्टेंस केते देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रो रूट ओवर तार स्क्वायर तो केते बाहर गेलो देखो ना के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओके एटी ई1 रो मैग्नीट्यूड जेति की ई टू रो मैग्नीट्यूड भी सेति की दीटा का समान अछि अच्छा तो पिलान देखो जे ई1 और ई2 गोटे वेक्टर क्वांटिटी आ माने प्रथम रो पढ़ी के आछु दीटा वेक्टर परस्पर भितरे जेति की एंगल बनेबे तांकर रिजल्टेंट ता हबो फील्ड तो रिजल्टेंट रो फार्मूला कोन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर तेणु आम ये इक्वेटोरियाल को नौ तेणु इ इक्वेटोरियाल है रिजल्टेंट तेणु तार फर्मूला इ वन स्क्वायर प्लस इ टू स्क्वायर प्लस टू इन इ टू कॉस अच्छा ये पिला आंगेलटा के देख ना टू थीटा कहीं देख ए दीटा लाइन पारालाल ये जदि थीटा हम तेल ये छोटा भी थीटा हम एकांतर कोण अल्टरनेट एंगेल्स एटी भी ये भी थीटा तमन दीटा को मिसि गेले टोटल केते गेला 2 थीटा तमन ई1 और ई2 भीतर एंगल केते गेला 2 थीटा अच्छा तो आर रूट ओवर ताले केते जे देखो ई1 जति की ई2 सेति तमन मु डायरेक्टली लिखि दउ छी 2 ई1 स्क्वायर पूर्ण ई1 जति की ई2 सेति की एटी भी लिखि दउ छी डायरेक्टली 2 ई1 स्क्वायर * cos 2 थीटा रो रूट ओवर दैट्स इक्वल टू एटु 2 ई1 स्क्वायर कॉमन ले ली तो केते रही गला देखो पिला माने 1 प्लस cos 2 थीटा तो 2 ई1 स्क्वायर * 1 प्लस cos 2 थीटा रो फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री रे पढिछ 2 cos स्क्वायर थीटा तो डायरेक्टली ताको पुट करो 2 cos स्क्वायर थीटा तार रूट ओवर हि जीव 2 ई1 cos थीटा ता माने एही गोटा की हमरा आंसर तो आम 2 तो जानिछु ई वन तो ये अलरेडी लिखाई खाली कॉस थीटाटा बाहर कर तो ये ट्रायंगल को लक्ष्य कर कौ ट्रायंगल देख मुझे नेमिंग कर दूसरी ए पी ओ ए पी ओ ट्रायंगल तो ए पी ओ ट्रायंगल ले कॉस थीटाटा केते हो लिखि देबा इट इन ट्रायंगल ए पी ओ कॉस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा फॉर्मूला पिला माने कोन बी बाय एच तनु एटी बी के हबो ए आ एच के हबो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रो रूट से आ लिखि दो ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रो रूट ओवर ओके ये कॉस थीटा बाहर गेला अब या खाली वैल्यू पुट करबा आंसर बाहर करबा ताले ई इक्वेटोरियल केते हिजो देखो त ई इक्वेटोरियल हिजो 2 ई1 रो वैल्यू बाहर करचे के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू कॉस थीटा केते भरला ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रो रूट ओवर ओके अबे प्लान देखो ये जो 2 क्यू ए अछि एटा हमें भली बात ही जानिछु जे एटा पी बोली त डायरेक्टली पी लिखियो त ई इक्वेटोरियल केते हिजबो ना 2 के पी बा खाली के पी ना 2 तो पड़ै छै सॉरी के पी डिवाइडेड बाय अच्छा ये रूट ओवर अच्छी ये 1 अच्छी तो पावर दुटा एड हो 1 प्लस 1 बै 2 के 3 बै 2 तेल के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दि पावर 3 बै 2 आसीगला इक्वेटोरियल लाइन रो फॉर्मूला ओके अच्छा जदि हमको शॉर्ट डाइपोल पई पचरा हो तो फॉर शॉर्ट डाइपोल पई कोन हो आर द वेरी वेरी ग्रेटर देन ए माने एटा उड़ी जीव ए रहिया जा न रहिबा से तो एटा उड़ी गले आर स्क्वायर टू दि पावर 3 बाय 2 2 कैंसिल हो जीव आ रहला केते आर क्यू त ई इक्वेटोरियल पूरी केते हो देखो शॉर्ट डाइपोल पई ना के पी अपन आर क्यू दिस इज द फार्मूला बोथ शॉर्ट डाइपोल पई
आज वेल आज नॉर्मल डाइपोल पाई तुम फॉर्मूला आसीगला। ओके तो यही फॉर्मूला को आमको यूज करिवार अछि। अच्छा तो पिलाने देख आ गोटे जिनस एटी जी आंगेल पचरा जीवो जेम से एक्सियल केस रे जीरो डिग्री होता है। ये देख इक्वेटोरियल डायरेक्शन होची नेगेटिव एक्स एक्सिस रे, डाइपोल मूवमेंट रो डायरेक्शन नेगेटिव रो पॉजिटिव चार्ज, तनो दीटा को वेक्टर परस्पर को केमती अछन देखो ये रा डाइपोल मूवमेंट एटा हला कोन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तांका भीतर एंगल डेफिनेटली कोन 180 डिग्री और पाई भी कोई परबा से केस रे 0 डिग्री होतला एक्सियल केस रे। ए केस रे केते हबो 180 डिग्री और पाई बुझी पारल। तो ये होची तमर इक्वेटोरियल लाइन रो डेरिवेशन आउ तांका भीतर एंगल रो फार्मूला आउ शॉर्ट डाइपोल पई तो फार्मूला ऑलरेडी बाहर छि। अच्छा एटा नोट डाउन करनियो। नेक्स्ट ले प्लान देखो गोटे रेशियो बाहर करबा फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल ई एक्सियल केते बाहरला पिला माने तो ई एक्सियल बाहरला 2kp डिवाइडेड बाय आर की एटा ई एक्सियल ला फार्मूला एबे बाहर करले रिसेंटली सेंथि ई इक्वेटोरियल केते बाहरला ना kp अपॉन आर की। तो जदि आकु रेशियो नै जीवा ताने ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल केते हि जीवो तो 2kp बाय आर क्यू इनटू आर क्यू टा ऊपर पड़ेबो डिवाइडेड बाय kp 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 गला आर क्यू मला ताले ई एक्सियल आउ ई इक्वेटोरियल रेशियो हे गला 2:1। तो रेशियो टा को पिला माने मन रखिबो ता माने बुझिबा कथा जे एक्सियल लाइन रो जो डाइपोल टा रो फील्ड सेटा 2 टाइम्स दैट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन रो डाइपोल, तामे डेफिनेटली एक्सियल लाइन रो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल लाइन रो इलेक्ट्रिक फील्ड। एटा ओडा सिंपल सा डेरिवेशन, डेरिवेशन तो नुए सिंपल सा खाली कैलकुलेशन। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इनटू ई इक्वेटोरियल। नेक्स्ट पिलान देख दे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट रो मीनिंग कौन ना से एक्सियल अच्छी ना इक्वेटोरियल अच्छी जेको गोटे जगह गोटे पॉइंट पी नहीं आई ओ नहीं आई पी तो डाइपोल मोमेंट। तो ये आम कौन कल देख ये माइनस क्यू रू प्लस क्यू गोटे डाइपोल डेफिनेटली डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन पड़े पी बोली रही ए डाइपोल टाक टिल्ट कर दिगला। तो जदि टिल्ट कर दिगला तो एपटे गोटे पी र कंपोनेंट कहना पीटा जेहतु वेक्टर क्वांटिटी तेणु थीटा एंगल टर्म कले पी कॉस थीटा ताको परपेंडिकुलर गोटे कंपोनेंट रहइबो जोडा पी साइन थीटा ता माने पी कॉस थीटा अलग रे जो कंपोनेंट मो ताको पैरेलल कंपोनेंट बोली देखै छी बा जोडा को तमे एक्सियल कहि परइबो। ओके तो जदि मु ई एक्सियल को ई1 नै गेउ छी सपोज तो ई1 टा केते हबो ऑलरेडी एक्सियल रो फार्मूला में शॉर्ट डाइपोल पई जानि छै केते ना 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यू। ओके सिमिलरली जदि ई परपेंडिकुलर लिखिया माने जोडा इक्वेटोरियल पॉइंट बा ब्रॉड साइड ऑन पॉइंट ताले से ई2 केते हि जीवो के पी अपॉन आर क्यू। ओके एती कथा तो क्लियर एक्सियल और इक्वेटोरियल ला फार्मूला लिखा है। अच्छा जदि दीटा वेक्टर परस्पर को परपेंडिकुलर अछंती तो ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर रे त माने पढ़ी छ जे तारा फार्मूला कोन ना ई इज इक्वल टू रिजल्टेंट रो ई1 स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर रो रूट ओवर ऑलरेडी पढ़ी कैसे करना कॉस 90 जीरो ही जीवो ताले ई वन जगह ई वन रो वैल्यू पुट कर दवा ताले कते जीवो देखो 2 केपी अपॉन आर क्यू रो होल स्क्वायर प्लस केपी अपॉन आर क्यू रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर। तो एटु यदि कॉमन नबो तो कॉमन कते जीवो देखो केपी बाय आर क्यू रो होल स्क्वायर डायरेक्टली कॉमन नै जाउ छी आ रही जीवो केते भीतर देखो 2 रो स्क्वायर केते 4। अच्छा 2 रो स्क्वायर 4 एठी अछि तां 2 रो स्क्वायर। ओके आउ केते रहइबो देखो प्लस 1। ओके ताले केपी बाय आरक्यू रो होल स्क्वायर जोडा बाहर पड़ेबो केते जीवो ना केपी अपॉन आरक्यू। ओके अच्छा अबिका देखो एई जो केपी अपॉन आरक्यू टा बाहर को पड़ेला आउ भीतर केते रहिथान त देखो आमे लिखतां त एठी पी कॉस थीटा। ओके
तो ये लाइन में टिके मिस्टेक अछि त ठीक कर दवा टिके ओके सॉरी ए जगह रे पिला ने देखो ओडे जिंस टिके मिस्टेक तो 2kp / rq अछि त एटी p जगह रे केत रहबो p cos थीटा सेमती एठी p sin थीटा रहबो त माने एठी डायरेक्टली हम लिखि दो p cos थीटा आ एटा लिखि दो p sin थीटा ओके ताले एठी पुट कर देले केत हो एठी भी से cos थीटा लिखा हो आ एटा केत sin थीटा ताले एटा रहि जइबो देखो 2kp डिवाइडेड बाय rq तार होल स्क्वायर कॉमन वाला तो भीतर केत रहला देखो ना cos स्क्वायर थीटा प्लस kp / rq जाई छी खाली kp / rq जाई छी अच्छा kp / rq रो होल स्क्वायर कॉमन गले एट रहला केते ना 4 cos स्क्वायर थीटा ओके प्लस एठी रहइबो केते ना sin स्क्वायर थीटा देयर रूट ओवर एबे ठीक हला तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ताले केते हे गला देखो पिला माने अबिका kp / rq रो होल स्क्वायर रूट ओवर तो उठी गला बाहर तासी गला केते kp / rq अच्छा एठी जो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आछि मु ए sin स्क्वायर थीटा जगह लिख परबी 1 - cos स्क्वायर थीटा डायरेक्टली लिखु छी तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 - cos स्क्वायर थीटा र रूट ओवर ओके मते थीटा फॉर्मूला दरकार थिला सेत पई मु एवला थीटा रे लिखिले ताले रूट ओवर हे गेले एटा सॉल्व हे गेले केते जीवो देखो ई रो वैल्यू हे जीवो kp / rq होल इनटू 4 cos स्क्वायर थीटा - cos स्क्वायर थीटा केते हे गेला 3 cos स्क्वायर थीटा त आसी गेला हमर फार्मूला 3 cos स्क्वायर थीटा + 1 रूट ओवर एटा होची एट एनी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला जनरल फार्मूला त माने एही जनरल फार्मूला को हम माने यूज करकी एक्सियल और इक्वेटोरियल केमति बाहर करछे देखो अबिका एक्सियल पई एंगल केते थाए थीटा रो वैल्यू 0 डिग्री तो एठी जदी थीटा रो वैल्यू 0 पके दबो cos 0 के देइयो 1 3 + 1 4 4 रूट ओवर 2 त माने डायरेक्टली ई बारी गला ई एक्सियल केते ना 2kp / rq गला थीटा इज इक्वल टू 0 रे जदी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पकेबा बा पाई / 2 पके दबो त पाई / 2 पकेले cos 90 0 ए 1 नो रूट ओवर से 1 रहइबो त माने एही टर्मटा केवल रहइबो त माने दैट इज द इक्वेटोरियल त माने kp / rq ओके तो दिस इज द फार्मूला त माने आमे जनरल फार्मूला जदि जनरल पॉइंट पई फार्मूला जडा kp / rq होल इनटू 3 cos स्क्वायर थीटा + 1 नो रूट ओवर सेठो आमे एक्सियल भी पाई परबा एज वेल एज कोन इक्वेटोरियल भी पाई परबा ओके थैंक यू